और इतने नहीं, जो करने आए थे वो भी भूल गए। किला चनता सु बिलो की बुलावे, किला चनता सु बिलो की बुलावे। लक्षण बताने जा रहे थे ना कन्या का, वो भी भूल गए। कहते हैं कि नैना की जख्मे बड़ी भाव करत गंभीर, और देखने में ओची लगे भेदत सकल शरीर। देवऋषि नारद सब कुछ भूल गए, और भाव देखिए, ये एक माया है। श्री राम कथा जो है ना, कई जन्मों से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से प्रारब्ध के कारण है। कई बार हम लोग कहते हैं कि क्या नारद जैसे काम कर रहे हो। देवऋषि नारद नहीं होते तो राम का अवतार नहीं होता, कृष्ण का अवतार नहीं होता, सत्यनारायण कथा श्रवण करने को नहीं मिलता, और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को भी चेतनता नहीं मिलती। क्योंकि देवऋषि नारद ने जब भी कोई कार्य किया है तो परमार्थ के लिए किया है, और आज के नारद स्वार्थ की बात करते हैं। देवऋषि नारद सब भूल गए हैं। अब होश आया है थोड़ी देर में, तो महाराज शील जी से कहते हैं कि जो यही बरई अमर सोई होई। भाव देख लेना, समझने की बात है तिवारी जी, कि जो यही बरही अमर सोई होई, असमर भूमि न जीतिए कोई, सेव ही सकल चरा चरते ही, अवर शील निधि कन्या जारी। कहते महाराज शील निधि, जो यह बरही अमर सोई होई, जो इस कन्या से शादी करेगा वो अमर होगा, समर भूमि ते जीतना कोई। समर यानी युद्ध के मैदान में उसे कभी कोई जीत नहीं सकता। सेवई सकल चराचर ताही, पूरे चराचर सृष्टि मंडल में सब उसकी पूजा करेंगे। और बरई शील निधि कन्या, जो इस कन्या से शादी करेगा, और लक्षण सब विचार उर राखे, हृदय में विचार सब लिया है, कछुक बनाई भूप सन भाग। कुछ बहुत सोच समझ करके राजा से कहा, सुता सुलक्षण कहिन बपाही, और नारद चले सोच मन मा। ध्यान दीजिएगा, विश्वमोहन के सारे गुण और दोष बता करके देव ऋषि अपने रास्ते जा रहे हैं, लेकिन मन में सोच क्या है उनके, अहंकार है ना। आप जिस पेड़ का फल खा रहे हो, आप उस फल से मतलब रखो ना, आप पेड़ के मालिक कैसे बन जाओगे। उसके पीछे माली का बहुत त्याग है, लेकिन देवऋषि नारद अपने आप को भूल गए और कहते हैं कि करऊ जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोही मिले कुमार, कि जब तप कछुना होयत ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बा।
करो जाई सोई जतन बिचारी जा रहा हूं, मैं वो कार्य करूंगा जिस तरीके से ये कन्या मुझे मिल जाए, मेरा विवाह हो जाए। अगर एक बार देव ऋषि नारद के मन में अहंकार नहीं होता तो शायद ये कार्य नहीं हो। चले जा रहे हैं, सोचते हैं ये बताओ बाबा के साथ कोई विवाह क्यों करेगा। भगवान श्री हरि के समक्ष पहुंचते हैं और उनसे मांगते हैं कि भाई हे परमात्मा श्री हरि, आज तक मैंने तेरा भजन किया कुछ नहीं मांगा, पर आज मुझे दे देना। देव ऋषि नारद की मन की चंचलता, चेहरे पे मुस्कान, उनकी शरीर की स्फूर्ति बता रही है। उन्होंने कहा आप मुझे एक दिन के लिए अपना सुंदर स्वरूप दे दो। भगवान से एक पल के लिए अगर आप अपने आप को मान लो तो आप भगवान के जैसे बन सकते हो, लेकिन अगर उसी का दुरुपयोग होगा तो माचिस आपके हाथ में है, उसी माचिस से चाहो तो अपना घर जला लो, मंदिर का दिया जला लो या पड़ोसी का घर फूंक दो, अग्नि तो वही है। कहा तुम्हारी बाप, देव ऋषि नारद ने कहा मुझे आप आज अपना सुंदर स्वरूप दे दो। और इसमें शीलनिधि राजा के लड़की के स्वयंवर में जो लोग थे ना राजा, वो कोई राजा नहीं, शिव जी के गण थे, सब बनकर मायावी आए हुए थे। भगवान ने अहंकार के लिए किया था सब, तोड़ने के लिए। भगवान से स्वरूप मांगा, लेकिन श्री हरि विष्णु ने उन्हें क्या दिया, ध्यान देना थोड़ा गौर से, बंदर का स्वरूप दे दिया। आपके उद्देश्य पे फल निर्भर है। आपने अगर परमात्मा से परमार्थ के लिए कोई चीज मांगा है तो लाभदायक है, और अगर अपने स्वार्थ के लिए मांगा है तो नुकसानदेह हो जाता है। बंदर का स्वरूप दिया है, और देव ऋषि नारद स्वयंवर में पहुंचते हैं। स्वयंवर, स्वयं यानी अपने वर को चुन लेने की प्रक्रिया को स्वयंवर कहते हैं। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाम कर सहित समान। सब अपने अपने आसन पर बैठे हैं, अनेक तरीके से सुंदर होकर के, जैसे आदमी को भी कहीं जाना हो, कथा सुनने जाना हो, या कहीं बाजार में जाना हो, तो जमाना बदल गया, कहीं मौत में भी जाना हो तो एक घंटा सजने संवरने में लग जाता है जी। मौत में जाना हो तो भी, और हरि को तो आपकी सुंदरता अंदर वाली चाहिए, बाहर वाली नहीं। प्रेम तो वही है ना जी। मैं अक्सर गाया करता था, बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जब भी आप भाव करोगे भगवान बंधे हुए खींचे हुए आपके पास चले आएंगे। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आ नहीं बरई ना बोरे। देव ऋषि नारद के मन में भाव है, अरे वाह, मेरे जैसा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, और विश्व मोहनी मुझे ही बरेगी ये सुनिश्चित है, मुझे ही बनेगी विश्व मोहनी। क्यों, गर्भ है मुझे हरि ने दिया। भाई बहन, भगवान ने तुम्हें जो दिया उसे संभालने की क्षमता होनी चाहिए। अगर उसका सदुपयोग करोगे तो योग बन जाएगा, और दुरुपयोग करोगे तो फिर कहानी हर हर महादेव हो जाएगी। देव ऋषि नारद की हालत को देखकर कि रहे तहां दुई रुद्रगण,
तेजा नहीं सब भेव विप्रवेश देखत फिर ही परम कोत पीते। वहां भगवान शंकर के दो गण थे जो विप्र का वेश बना करके बड़े कौतूहल से वहां आनंद ले रहे थे, देख रहे थे कि लीला क्या हो रही। जय समाज बैठे मुनि जाए हृदय रूप यही मते अधिकार। जहां देव ऋषि नारद बैठे थे उन्हीं के बगल में ये शिव के दोनों गण जाकर बैठ गए। और तहां बैठे महेश गण दो विप्रवेश गति लखई न को। ब्राह्मण के वेश में इन्हें कोई पहचान नहीं पाता। अकूट, कूट मतलब चर्चा, हाय बंधन क्या है, कितनी बुरी लगे, हाय इसका तो ऐसा है। परमात्मा के मंदिर में सर नहीं झुकाना, शीशे के आगे चार बार घूम के देखना, वस्त्रों को धारण करना, उसका योग संयोग नहीं देखना। अक्षर आप देख लीजिए, अब वो दोनों कूट कैसे करें, कि कराही कूटी नारद ही सुनाए, कराही कूटी नारद ही सुनाए, कराही कूटी नारद ही सुनाए। ऋषि नारद के अगल बगल में बैठे तिवारी बाबा और कहते वाह बड़ा सुंदर रूप दिया भगवान ने। आपने गौर किया होगा कि शूद्र संग जो चाली चल कपट चपल चंचल पहन। पहचान से भी समझ में आता है कि कौन शूद्र है कौन सवर्ण है, कौन क्षत्रिय है कौन राजा है, समझे आप। वो गर्मी का टाइम होगा ना तो लाल मोजा जरूर पहनेंगे और तेल इतना बदबूदार पहनेंगे कि पड़ोसी को पता लग जाए कि कोई आ रहा है। शालीनता दीनता और समर्पण की बात है। अब उनको बड़ा सुंदर रहता है। देवऋषि नारद भी वही कर रहे हैं, आहा मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं, मुझे तो भगवान ने अपना रूप दे दिया है। अब दोनों गण कह रहे वाह बड़ा सुंदर स्वरूप दिया है। हंसी उड़ा रहे हैं कि अब तो भैया इतना सुंदर स्वरूप मिला है कि जैसे आप ये मान करके चलो कि अब देवऋषि नारद से ही विवाह होगा, इतने सुंदर स्वरूप को तो विश्वमोहिनी छोड़ ही नहीं सकती। सब लोगों ने कहा महाराज इतना भाव कर रहे हो तो जरा देखो चेहरा कहाँ दिखा, कि मुखड़ा देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले दर्पण में।
जय जय भाई जय जय अति उत्तम। दोनों आजू बाजू में जो गण बैठे हैं ना, देव ऋषि से जब उन्होंने कहा कि अरे भैया बड़ा सौभाग्य रखते हो, बड़ी सुंदरता में गान करते हो, तो जाओ अपना चेहरा तो देख लो। कुछ टीकाकार कवियों ने कहा कि देव ऋषि को दर्पण देखने की बात कही, लेकिन रामचरितमानस में दर्पण में उनका चेहरा देखने की बात नहीं कही गई। उन्होंने कहा जाओ, ओ निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हस्यहु हम ही सो ले फल बहुर हस्यहु मन को। देवऋषि नारद ने उन दोनों गणों को श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया था प्रभु अपने चेहरे को देखो तो सही। तो देवऋषि नारद ने रूप कहां देखा है? शीशे में नहीं। विद्वान कहते हैं शीशे में, शीशे में नहीं। कि पुनि जलधि कि पुनि जलधि रूप निज पावा तदपि हृदय सन तोष नया, हर कतय धर को पमन माही सपदि चले कमलापति पा। देवऋषि नारद ने अपने स्वरूप को पानी में देखा है और क्रोधित हो गए हैं, मन को संतोष नहीं है, क्योंकि यहां स्वयं विष्णु आकर और श्रीहरि विश्वमोहिनी से विवाह करके गए, और क्रोधित होकर कहते हैं। गुस्से के लक्षण कितने हैं महाराज, कैसे पता लगता है गुस्सा संतों का? क्या क्या हो रहा था? फरकत अधर, होठ हिलने लगते हैं गुस्से में। हाँ हाँ, फरकत अधर कोप मन माही, चेहरा लाल हो गया है, कोप यानी क्रोध है, मन में संताप है। सपद बहुत जल्दी से चले कमलापति पाही, भगवान के पास, और क्या कहकर चलते हैं कि दैया हूं श्राप कि मरिया हूं जा, जगत मोर उपहास करा, जा रहा हूं श्राप दूंगा या मैं मर जाऊंगा, कहूंगा कमलापति तुमने जगत में मेरा उपहास हंसी उड़वा दिया। वाह रे भाई देव ऋषि नारद, खुद की गलतियों का तो एहसास नहीं, हमने क्या किया उसका एहसास नहीं, खाली उंगली उठाते रहो। मांगना क्या था भगवान से? बार बार कहता हूं कि संत का रज और अन्न का कण मिले तो व्यर्थ बात नहीं होती। कि सुनाता बचन उपदायति क्रोधा माया वसना मन भो। कहते हैं कि जब आपको क्रोध आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और ऊपर से भगवान श्री हरि को दोष भी बता रहे हैं अग्रवाल जी। देवऋषि जी कहते हैं कि परिसंपदा सकहु नहीं देखी, परिसंपदा सकहु नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट विषे। अरे भगवान, अरे श्री हरि, तुम दूसरे की खुशी को देख करके खुश नहीं हो सकते, दूसरे की संपत्ति को देखकर आनंद नहीं कर सकते? आज मुझे याद आया कि मथत सिंधु रुद्र ही बोरायो
सुरन प्रेरी बिस पाल करा। बड़ी अटपटी बात आज देव ऋषि नारद ने कह दी है। अरे भगवान श्री हरि कमलापति विष्णु, तुम्हें दूसरे की संपदा देख करके शांति नहीं मिलती, तुम्हें दूसरे का सुख अच्छा नहीं लगता। देव ऋषि नारद का तुम्हें अच्छा नहीं लगा, आज समझ में आया कि मथत सिंधु रुद्र ही बहुरायो। जब समुद्र मंथन हो रहा था, सभी देवताओं से निवेदन करा करके तुमने भगवान शंकर को विस्पान करने को लगाया, सुरन प्रेरी विस्पान करायो। वाह वाह श्री हरि, जब समुद्र मंथन हो रहा था, रुद्र को भ्रमित कर दिया, देवताओं से निवेदन करके उन्हें विस्पान कराने को लगा दिया, और आज देव ऋषि नारद का घर घर में उपहास करा दिया। यथार्थता कहां तक है? हम हमारे अवगुण को तो देख नहीं रहे भैया, हम दूसरे पे उंगली उठाए चले जा रहे हैं। कहते नहीं नहीं असुर सुराबिस संग कर ही। देखिए तिवारी जी कितनी सुंदर सुंदर उपमा दिया बाबा ने। कहे असुर सुराबिस संग कर ही आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। वाह, कहते जब देव ऋषि जब समुद्र से जहर निकलता है तो उसे पुलाने के लिए देवताओं को प्रेरित करके शंकर को पिला दिया और आप राम बन गए। आप क्षीर सागर में शयन करने लगे, आप कपट से छल से लोगों का प्रयोग करके राज करते हो मन में अपनी भावनाओं से। क्रोधित होकर के देव ऋषि नारद जा रहे हैं, भगवान के पास पहुंचते हैं। भले भवने वायन दीना पाव हो गए फल आप ही कीना। दो मिनट के अंदर क्रोध शांत होता है जब, तो यथार्थता आने लगती है। लेकिन फिर भी देव ऋषि ने कहा सुनो कि कपि कर आकृत तुम कीन हमारी करी यही किस सहाय तुम्हार। तो बंचहु मोहि यवन धरिए हा नारी तुम हो ये बगे। अरे सुनो, तुम्हें भी उसी पीड़ा में भटकना पड़ेगा। भाव देखिए तिवारी बाबा, अरे विष्णु परमात्मा श्री हरि, मैं संत हूं, शब्दों को समझिएगा कि कपि आकृत तुम कीन हमारी। आपने मेरे मुख का आकार कपि जैसा बना दिया है जी, करी है किस सहाय। जाओ परमात्मा श्री हरि विष्णु आज ने बंदर के जैसा मेरा मुख बना करके जगत में उपहास किया है, लेकिन इसी बंदर के चेहरे से तुम्हें मदद मिलेगी, तुम्हारी सहायता करेंगे। कब मम अपकार कीन तुम भारी ओ नारी विरह तुम हो उपकार। और अपकार दोनों का अलग अर्थ है। मेरा अपकार, आपने मेरी बहुत बड़ी हूसी उड़ाई है, मेरे हृदय में आपने बहुत ही दुख दिया है, मेरे जगत में उपहास किया है। तो जाओ जिस तरीके से आज मैं विश्व मोहनी के पाने के दुख में तड़प रहा हूं, ऐसे ही नारी विरह तुम होब दुखारी। यहां ध्यान देना कि संत और परमात्मा की बात सहर्ष स्वीकार करे तो श्राप या आशीर्वाद बन जाता है। संतों की इतनी मर्यादा है,
गुरुओं की इतनी मर्यादा है। आज देवऋषि नारद ने श्राप दिया लेकिन स्वयं विष्णु ने कुछ नहीं कहा है। एक ही पंक्ति में गोस्वामी जी ने कहा उनके लिए कि श्राप शीस धरि हरसिय, श्राप शीस धरि हरसिय प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि। देव ऋषि नारद ने श्राप दिया और भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर साधु मूड में आ जाए, मौज में आ जाए और गलती से कह दे कि जा मजा कर, तो मजा हो ही जावे। और एक बार आपको ध्यान देना है, अपने बुजुर्गों का अपमान करना नहीं चाहिए। जिस घर में रहते हो उस घर को अपने जैसा समझना चाहिए, और जिसने तुम्हें इस दुनिया में सम्मान दिया उसका कभी अपमान करना नहीं चाहिए। और ये तीनों काम करने वाले जिंदा लाश हो जाते हैं, उनके आगे पीछे कुछ नहीं रह जाता। कथा श्रवण का यही एक लाभ था यहां पर, क्योंकि देव ऋषि नारद के अपने गुनाहों को नहीं देखा, लोगों को दोषी बनाते रहे। अगर देव ऋषि नारद का उद्देश्य होता तो शायद भगवान श्री हरि अपना सुंदर स्वरूप भी देते, लेकिन उद्देश्य गलत था इसलिए बंदर का स्वरूप मिल गया। तो यज्ञ का फल आपके उद्देश्य पर निर्भर है। सहर्ष स्वीकार किया है और यही कारण था, इसी श्राप को पूरा करने के लिए भगवान ने राम के स्वरूप में उतार लिया। देव ऋषि के नारद की बातों को श्रवण करने के बाद, क्योंकि अगर यह अवतार नहीं होता, जानकी का हरण नहीं होता, तो संत की वाणी और ब्रह्मा का वरदान दोनों झूठा हो जाता। आए प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। चंद्रपल हरिनाम संकीर्तन करते हुए चलिए, एक छोटा सा जीवात्मा और परमात्मा, ये जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि परमात्मा मैं तेरे सानिध्य में कैसे आऊं, तेरा घर तो बड़ा दूर है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे मुरारी, कैसे आऊं रे बिहारी, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर। Thank you.
करम मोहे लागे सखी सर्व ये जीवात्मा परमात्मा से कहती है ऐ परमात्मा तेरे पास मैं कैसे आऊं। ये जीवात्मा इसकी तीन सखियां हैं आशा तृष्णा माया। अगर मैं सखियों के साथ आऊं तो शर्म आती है और अगर मैं अकेले आऊं तो इस दुनिया से डर लगता है। साधना की राह पे जब चलोगे ना तो इस दुनिया को नहीं देखना क्योंकि ये तो जीने ही नहीं देते। अब दामन पकड़ ही लिया है तो अंत गति तक निभाना। इसलिए कहा गया कि अगर बिना गुरु के भजन करोगे तो भटक जाओगे। सखी सनया तो शरम